हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप लोगों के लिए एक जरूरी बात बताना है, क्योंकि अभी मैं अपने ब्लॉग गांव से बनाती थी, अब मैं इंदौर आ गई हूँ और मैंने आपके लिए ब्लॉग इसलिए नहीं बना पाई हूँ। जब मैं अपने घर से आई थी तो आप लोगों के लिए ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि गाँव में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और अभी भी 2 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। इतनी बारिश हो रही है कि क्या ही बताऊँ। दीदी ने अभी कॉल किया था तो बोले 2 दिन से इतनी बारिश हो रही है कि हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा नदी तालाब भर गए हैं। क्या ही बताएं आपके लिए, घर होते तो हम बताते हैं आपके लिए, लेकिन हम इंदौर आ गए हैं। तो जब मैं वहाँ थी तभी से बारिश हो रही है, तो मेरा मोबाइल चार्ज नहीं हो पाया था, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ब्लॉग नहीं बना पाई थी। और फिर मैं घर से ऐसी आ गई थी, तो फिर मैंने रेलवे स्टेशन पर थोड़ा सा मोबाइल चार्ज किया था और फिर मैं ब्लॉग नहीं बना पाया वहाँ पे, क्योंकि डर लगता है कि कहीं कोई मोबाइल ना चोरी कर ले। मतलब ऐसे बहुत सारे मोबाइल चोरी हो गए हमारे सामने, ऐसे चलाते रहते हैं या फिर अपने हाथ में मोबाइल लिए रहते हैं स्टेशन पे, तो बहुत सारे लोग ऐसे घूमते रहते हैं तो हाथ में से चुरा के मोबाइल ले जाते हैं। बहुत मेहनत से मैंने अपना ही मोबाइल लिया था, मैंने अपने पैसों से ही मोबाइल लिया था, तो मैं इसको गुमाना नहीं चाहती हूँ। और क्योंकि मैंने अपनी अभी तक अपनी लाइफ में अपने पैसों से ये मोबाइल ख़रीदा है, अगर ये चला जाएगा तो मुझे बड़ा दुख होगा, फिर मैं वीडियो भी नहीं बना पाऊँगी, इसलिए मैंने आपके लिए नहीं बना ब्लॉग नहीं बना पाया था, उसके लिए सॉरी। मैं इंदौर आ गई हूँ, अभी इंदौर में ही हूँ। और देखिए मैं अपने रूम पे हूँ अभी, ये है मेरा रूम, आपको तो पहले से ही पता है मैं इंदौर रहती हूँ, मेरा रूम है ये देखिए। और जब से आई हूँ मैं, जब से ही सो रही हूँ, अभी उठी थी तो फिर मैंने नहाया है और थोड़ी सी तबीयत ठीक है। पहले तो मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, घर से आई थी सो नहीं पाई थी, और क्या बताऊँ मुझे तवरा लग रहा था आज कि मैं आज पूरे दिन से सो रही हूँ, इसलिए मुझे बहुत याद आ रही है अपने दीदी जीजा जी और दीदी की लड़की की, मम्मी पापा की भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ अकेली रहती हूँ, वहाँ पर तो हम दीदी जीजा जी के यहाँ रहते हैं तो इधर उधर घूमते रहते हैं, और यहाँ पर आते हैं तो बहुत बुरा लगता है क्योंकि यहाँ कोई नहीं है। ये मेरी दीदी ने मुझको इतनी सब्जी पहुंचा दी थी, बोले इसको ले जा और बना लेना 4-5 दिन तक जो तुझे पसंद आए। देखो ये नींबू है, दीदी ने मुझे नींबू रख दिए थे, बोले कि तुझे चावल बहुत पसंद है तो चावल बना के और उसी में ये नींबू काट के डाल लिया करे तो अच्छे स्वादिष्ट लगेंगे। और ये देखो ये करेला है, ये करेला भी रख दिए थे दीदी ने, बोले करेला की सब्जी बना लेना। और ये देखो ये रखी है भिंडी, ये भिंडी पहुँचा दी थी दीदी ने मुझे घर से, बोले 4-5 दिन तक तुझे सब्जी नहीं लेना पड़ेगा। और ये देखो ये है बैगन भट्टा, इसे भी भेज दिया था दीदी ने मुझे। और ये देखो ये है टिंडा, क्या बोलते हैं इसको, टिंडा ही बोलते हैं, ये देखो इतने लंबे लंबे होते हैं टिंडा, ये भी टोर के रख दिए थे दीदी ने। और क्या बोलते हैं तुरैया भी रख दिए थे, तुरैया ने कि मैंने सब्जी बना ली है। और क्या रख दिया था, हाँ क्या बोलते हैं उसको, काकोरा, काकोरा भी रख दिए थे। और ये देखो भुट्टा भी रखी है, ये भुट्टा भी रख दिए थे दीदी ने, भुट्टा भी लाई हूँ। और ये देखो ये कच्चा डंगरा है, पका ला देते यहाँ तक ख़राब हो जाता, इसलिए दीदी ने मुझे कच्चा डंगरा तोड़ के रख दिया था, बोली जब पक जाए तो खा लेना। इतनी सारी सब्जी रख दी थी, मुझे 4-5 दिन तक लो लेना ही नहीं पड़ेगा। और भी मैंने बना ली है, सुबह 2 बंद की सब्जी बनाई थी, ये देखो ये रखी है मेरे ककोड़ा, कहाँ रखी है ककोड़ा की सब्जी, ये देखो सुबह मैंने ककोड़ा की सब्जी बनाई थी, ये ककोड़ा, ककोड़ा लाल लाल हो रहा था इसलिए मैंने सुबह जल्दी से ककोड़ा की सब्जी बना ली थी। ये देखो मेरी किचन है, यहीं पे हम बर्तन रखते हैं और यहाँ बनाते हैं खाना, ये सब रखा है मेरा सामान, ये लगा हुआ है कांच, खराब सा कांच है इसलिए साफ नहीं दिख रही हूँ मैं इसमें। मेरी दीदी मुझे बहुत चाहती हैं और घी नहीं था मेरे पास अभी घर पे, दीदी की यहाँ भी भैंस बियानी थी, आपको वीडियो ही बनाया था मैंने, तो अभी भैंस भी आनी थी, तो अभी तो इतने जल्दी घी नहीं निकलता है क्योंकि 10-15 दिन हो जाते हैं तभी अच्छे से घी निकलता है। तो फिर मैंने था ही नहीं तो क्या लाती हूँ, दीदी को भी ख़रीदना था, घर पे तो था पर मेरे पापा घर पे बीमार थे, मेरे पापा को माता निकली है तो पापा नहीं आ पाए थे मुझे घी देने के लिए। अब मैं 1-2 महीने बाद जाऊँगी, मूँगफली हो रही घर पर तो मैं मूँगफली करवाने के लिए जाऊँगी, तभी मैं घर से घी लेके आऊँगी, अभी तो ऐसी रोटी खाना पड़ता है घी नहीं है तो। सच में मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्या बताऊँ, मेरी दीदी मुझे बहुत चाहती है सच में, मेरे पास मुझे वो
उसके दीदी के पास भी नहीं होता है ना, तो वो भी मुझे भेज देती हैं दीदी के ले जा दाल भी भेज देती हूँ उन औरत की। मूँग की अभी उनके पास नहीं हुई है, मैंने अभी मूँग की कौन सेट हो रही है, अब हो जाएंगी, अब तक जाऊँगी तो फिर दीदी मुझे रख देंगी। अभी तो औरदन की थी तो औरदन की उन्होंने रख दी थी, उनके पास भी नहीं थी, किसी ने दी होगी तो उन्होंने आधी मुझे रख दी थी, आधी उन्होंने रख ली थी। और सच में मैं अपने पास, मैं सबसे ज़्यादा अपनी दीदी के पास ही रहती हूँ, मैं अपने घर पर थोड़ा कम ही रहती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता घर पर, तो मैं सबसे ज़्यादा अपने दीदी के पास ही रहती हूँ। आप लोगों के लिए साफ आवाज़ नहीं आ रही होगी क्योंकि मेरा पंखा चल रहा है, ठीक है, तो लोगों के लिए बर्र बर्र आवाज आ रही होगी पंखा के, है ना। ये देखिए मेरा खटिया डली है, इसी पे मैं सोती हूँ। आप लोगों से सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप सभी लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो प्लीज। अभी तो आप लोगों के लिए मैंने रूम पे व्लॉग बना दिया है, मैं अब कहीं घूमने के लिए जाऊँगी संडे को, तो फिर मैं आप लोगों के लिए दिखाऊँगी मैं कहाँ जा रही हूँ घूमने के लिए। अभी तो मैं व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।